उस साइड पे आवाजें आ रही है, लेकिन पास में ही शमशान घाट है। हम ये मुर्दों वाली लकड़ियां ही जला रहे हैं, उसी से काम चल रहा है अभी हमारा, और खाना भी इसी से बनेगा अभी हमारा। पास में ही शमशान घाट है, कुछ की तरह दिखने वाला ये लकड़ी जलेगा। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, आ गया हूँ मैं फिर से एक नए एडवेंचर लेके। तो आज होने वाली है हमारी ओवरनाइट रिवर साइड कैंपिंग। तो मेरे इस साइड पे देखिए, एक टेंट इस साइड पे है और एक टेंट उस साइड पे, एक टेंट इस साइड पे, और लकड़ा तो मिली नहीं हमको, हमने इतने बड़े बड़े गिंठे जला दिए हैं। तो आज हमारी बढ़िया करके ग्रुप कैंपिंग होने वाली है इस साइड पे, रिवर साइड पे। और मुझे तो ये अभी पता चला कि यहाँ पे एक खौफनाक हॉन्टेड प्लेस है करके, कि यहाँ पे एक शमशान घाट है। तो आज अपनी कैंपिंग यहीं से शुरू करते हैं। अपनी कॉफ़ी बनके तैयार है दोस्तों, सभी लोग कॉफ़ी का मज़ा ले रहे हैं और हम भी लेते हैं कॉफ़ी का मज़ा। फिर बनाते हैं अपने बारबेक्यू। बारबेक्यू बनते हैं नहीं बनते क्योंकि आग तो जल नहीं रही है, और खाना बना लेते हैं। दोस्तों हमारी कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी है, सब भाई लोगों ने पी लिया है, और हमारी प्याज की कटिंग चल गई है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने बासमती और कुछ घर के चावल मिक्स करके चावल रख दिए हैं। और यहाँ पे जली हुई लकड़ियाँ भी दिख रही है मेरे को। ये तो आप गोविंदा भाई से पूछे कि किस टाइप की लकड़ियाँ हैं, मेरे को तो बोलने में भी अजीब सा लग रहा है। गोविंदा भाई आप बता दो तो इनको किस टाइप की लकड़ियाँ हैं, वो दिखा के वहाँ पे। तो गए जो ये लकड़ियाँ हैं ना, ये मैं भी यहाँ से नदी के किनारे से लेके आया था। जो शमशान में जो जलाते हैं, दाह संस्कार करते हैं जिन लोगों का, मरे लोगों का, उनकी जो लकड़ियाँ हैं वो बह के नीचे को आ गई होंगी। तो यार अभी तो हमको कोई लकड़ियाँ आस पास मिली नहीं, एक ये मिला अक्टूबर जैसा है, ये जल नहीं रहा है अच्छे से। और देखो अभी हम यही मुर्दों वाली लकड़ियाँ ही जला रहे हैं, उसी से काम चल रहा है अभी हमारा, और खाना भी इसी से बनेगा अभी हमारा। अपनी सारी कटिंग करने के बाद वहाँ पे हमारे अशु भाई ग्रेवी बनाने लग गए हैं, और यहाँ पे मैं चिकन के छोटे छोटे पीसेस करने में लगा हूँ ताकि वो अच्छे से पक जाए और अंदर तक उनके मसाले घुस सकें। तो इनको फटाफट कटिंग करने के बाद यहाँ पे हमारे चावल ही बन चुके हैं। फटाफट से आप चिकन करी बनने का वेट है बस। अपना चिकन अच्छे से पक चुका है, और अब दोस्तों है खाने की बारी। और मुझे यहाँ काफ़ी आवाज़ें आ रही है उस साइड पे, देखिए वो उधर पे, ये यहाँ पे दिख रहा होगा जो लाइटें जल रही है, यहाँ पे काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं, पता नहीं कोई लोग हैं या कौन लोग हैं। तो आप फटाफट से अपना चिकन का मज़ा लेते हैं। बहुत ही टेस्टी बनाया गाइस, अब मैं भी बना लेता हूँ यहाँ पे। क्यों खाना उसे लगा दे। अपना खाना पीना अच्छे से बन चुका है, और अपनी थालियों में, सबकी थालियों में डाल लिया है। और अब बारी है खाना खाने की, क्योंकि लेट काफ़ी हो चुकी है, 12 बज चुके हैं। फटाफट से खाने का मज़ा लेते हैं दोस्तों। अरे अरे पैकिंग में रहे हो, वैसा पका काम है एकदम मस्त हो रहा है, एकदम लजीज।
तो फटाफट से अपने खाने का एंजॉय लेते हैं। बढ़िया आग जली है और हमारा खाना पीना सबका ख़त्म हो चुका है और सभी लोग यहाँ पे आके सामने बैठे हैं और दो बंदे हमारे अंदर सो चुके हैं। तो यार दोस्तों, मेरे को वहाँ पे पता नहीं क्या लग रहा, कब से उजाला है वो, कल सुबह ही दिखेगा जो दिखेगा। तो हमारा तो यहाँ पे सोएंगे हम दो लोग और बाकी तीन लोग इसमें सो रहे हैं। तो अब सोने की तैयारी करते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको कल सुबह मॉर्निंग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सूरज अच्छे से उग चुका है और यहाँ पे बढ़िया करके आग जली है कल रात की हमारी, और सभी भाई लोग उठ चुके हैं हमारे देखिए। और कल रात की कैंपिंग बहुत बढ़िया रही हमारी देखिए, सुबह टेंट हमारे अच्छे से सूख भी रहे हैं यहाँ पे। और अब लेते हैं अपने कॉफ़ी का मज़ा। दोस्तों मेरी कॉफ़ी थोड़ी लेट हो रही है, मेरे साथियों ने कॉफ़ी कंप्लीट करने के बाद सामान पैक करने में लग गए हैं। और यार जो हिसाब से कल रात बता रहे थे कि यहाँ काफ़ी ख़तरनाक जगह है, लेकिन लगा नहीं, नदी के एकदम पास में है कैंपिंग हमारी, बढ़िया करे रिवर साइड कैंपिंग। और देखिए पूरी लोकेशन इतनी मस्त है ना, यहाँ चारों तरफ हरे भरे खेत है, घास है और पूरे गेहूँ के खेत है। तो यार दोस्तों अब बारी है घर को चलने की, फटाफट से अपनी पैकिंग कंप्लीट करने के बाद फटाफट चलते हैं घर को। अपनी पैकिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे आग बुझानी है अभी बाकी बस। और दोस्तों अब बारी है घर को चलने की, लेट काफ़ी हो चुकी है, 10:30 हो चुका है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट कैंपिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।